मेरे पास कुछ पैसे हैं, ताई है सब मनी, चाहे मोहन के पास कुछ पैसे हैं, मोहन है सब मनी, मोहन के पास पैसे नहीं है, मोहन हैज नो मनी। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फ्रेंड्स एंड टुडे डेफिनेटली आई एम डिस्कसिंग अबाउट यूज ऑफ हैव, हैज एंड हैड। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है कि जो इंग्लिश है, मैं किसी लैंग्वेज की बात करूंगा, जब तक आप बेसिक नहीं सीखते हैं तब तक उस भाषा में अच्छा नहीं हो सकते हैं। तो मैं इंग्लिश में बेसिक बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी बेसिक चीज़ें हैं उसको बनाएं। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसी के बदौलत आपको जो मैं प्रॉमिस किया था, वादा किया था, उसी को लेकर आज हम हैव, हैज और हैड का यूज़ के बारे में बता रहे हैं। और मैं उन स्टूडेंट्स से एडवाइस करूंगा कि जो हमारे यूट्यूब चैनल पर लेट से आए हैं, तो प्लीज़ हमारे सारे वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। तो फ्रेंड्स, विदाउट डिले चलिए हम डिस्कशन और यूज सीखते हैं हैव, हैज एंड हैड। यहाँ पर देख सकते हैं हैव, हैज, हैड। यहाँ पर देखें हैव, यहाँ पर क्या है, हैज। तो हैव का यूज कहाँ करते हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लुरल नंबर और सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकेंड पर्सन प्लुरल नंबर, या तो वही है दे, दिस, दोज, ये क्या है जो थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर होते हैं, या अगर प्लुरल नंबर्स हो, है ना। और हैज का यूज क्या करेंगे, ही, सी, इट, नेम, या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही है और सिंगुलर नंबर हो तो वहां पे क्या करेंगे हम लोग, हैज का यूज करेंगे। लेकिन मैं बताऊं, इसके पहले वीडियो में आपके ने बताया था कि हैव, हैज क्या है, तो मेन वर्ब भी होता है, एक्जुलरी वर्ब होता है, यानी वर्ब है। लेकिन यहाँ पे इस ट्रांसलेशन में देखेंगे हैव और हैज, हैड सब क्या है, मेन वर्ब का काम करता है। तो फिर हैव, हैज के यूज कहाँ करेंगे, तो याद रखेंगे एक चीज़ मैं बताऊँ कि हैव, हैज का इस्तेमाल वहाँ करेंगे जहाँ पे सब्जेक्ट अपने पास कुछ रखता हो। जैसे यहाँ पे देखिए तीन एग्जाम्पल लिखे हैं, देख रहे हैं ना, मुझे एक कलम है, या मेरे पास एक कलम है, या मैं एक कलम रखता हूँ। देख सकते हैं तीनों में मुझे एक कलम है, यहाँ भी सब्जेक्ट अपने पास कलम रखता है, मेरे पास कलम है तो मेरे अपने पास क्या रखता है, कलम रखता है, मैं कलम रखता हूँ तो मैं अपने पास क्या रखता है, कलम रखता है, यानी तीनों में रखने का बोध होता है। तो जहाँ पे सब्जेक्ट कुछ अपने पास रखता है वहाँ पे हैज, हैव और हैड का यूज करते हैं, समझ गए ना। अब देखिए कि मुझे एक कलम है तो मुझे के लिए चूंकि मी तो यूज नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में ये काम नहीं कर रहा बल्कि सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आई लाएंगे। तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, तो क्या हैव, हैज में क्या लाएंगे, हैव। आप पूछेंगे सर हैव क्यों लगा है, तो देखो मुझे यानी सब्जेक्ट अपने पास कुछ रखता है, क्या रखता है, कलम, तो इसलिए आई हैव, यहां पे ए पेन। अब डेफिनेटली मेरे पास एक कलम है तो मेरे यानी मेरे का भी इंग्लिश क्या होगा, आई होगा, होगा ना जी, आई, और चूंकि आई है तो हैव लग जाएगा, अब फिर ये पेन होगा। मैं एक कलम रखता हूं, मैं भी अपने पास एक कलम रखता है, यानी रखने का बोध होता है, तो क्या करेंगे यहां पर, आई हैव ए पेन, यानी तीनों का ट्रांसलेशन एक ही होगा, है ना, यानी तीनों अपने पास कुछ ना कुछ रखते हैं। तो आप समझ गए ना कि जहां पे सब्जेक्ट अपने पास कुछ रखता है वहां पे हैव, हैज और हैड के यूज करते हैं। आगे देखते हैं, अब देखिए यहां पे कहते हैं उसे पैसे हैं, उसे पैसे हैं, चाहे वह पैसा रखता है या उसके पास पैसे हैं, यानी रखने, उसे पैसे है मतलब क्या है, उसे यानी वह अपने पास क्या रखता है, पैसे, तो उसे के लिए क्या करेंगे, ही। अब ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, क्या लाएंगे, हैज, और पैसा क्या होता है, मनी, तो ही हैज मनी, चाहे वह पैसा रखता है तो ही हैज मनी, उसके पास पैसा है, ही हैज मनी, है ना। अब जैसे कहते हैं मोहन को दो नौकर है, तो मोहन अपने पास क्या रखता है, बोलो मोहन अपने पास क्या रखता है, दो नौकर, मोहन क्या है, सिंगुलर है, तो निश्चित रूप से क्या है, ये हैज सिंगुलर है, हैव क्या है, प्लुरल है, तो मोहन हैज, और दो का क्या होता है, टू, यहाँ पे क्या होगा, सर्वेंट, क्योंकि एस लगाएंगे वन से ज्यादा है तो टू सर्वेंट, तो मोहन हैज टू सर्वेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम कहते हैं कि मेरी बहन के पास ज्ञान है, तो मेरी बहन के पास ज्ञान है, डेफिनेटली किसके पास ज्ञान है जी, मेरी बहन के पास, तो मेरी बहन ज्ञान रखती है तो मेरी बहन के पास है, तो क्या होगा, सब्जेक्ट माय सिस्टर, तो माय सिस्टर, मेरी बहन क्या है, सिंगुलर है, प्लुरल है, एक है सिंगुलर है, तो क्या लगेगा, हैज, और ज्ञान का क्या होता है, नॉलेज, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, नॉलेज, तो माई सिस्टर हैज नॉलेज, है ना। चाहे आप यहाँ पर लिखेंगे आपके
पिताजी के पास कुछ पैसे हैं। आपके पिताजी के पास कुछ पैसे हैं, मतलब आपके पिताजी कुछ पैसे रखते हैं, तो किसके पास पैसे रखने का बोध होता है ना, तो आपके पिताजी, यो फादर। तो यो फादर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, प्लुरल है? सिंगुलर है तो क्या लगेगा, सिंगुलर क्या हैज, और कुछ का क्या होता है शाम, और पैसा क्या होता है मनी। तो यो फादर हैज सम मनी, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से इसको बना सकते हैं। आगे अब प्रॉब्लम होता है कि इसमें अब ये आता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ऐसे, अब हम लोग लिखते हैं कि गाय के चार पैर है, या ऐसे लिखते हैं गाय की एक लंबी पूंछ है। यहाँ पे देखते हैं कि गाय की चार पैर है, गाय की चार पैर है मतलब गाय अपने पास चार पैर रखती है ना जी। और गाय कॉमन है तो द लगाते हैं द काऊ, लेकिन गाय सिंगुलर है पुलर है, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर क्या है जाए चार क्या होता है फोर, तो लेग्स लिख सकते हैं फोर लेग्स। या अगर फुट लिखते हैं तो फुट का प्लेट क्या होता है तो फिट, तो यहाँ पे फिट लिख सकते हैं या लेग्स लिख सकते हैं। गाय की एक लंबी पूंछ है, तो गाय अपने पास एक लंबी पूंछ रखती है, तो इसमें भी हैज लगाएंगे तो क्या होगा, द काऊ हैज ए क्या लिखेंगे लॉन्ग टेल, द काऊ हैज ए लॉन्ग टेल, चूंकि यहाँ पे दोनों में रखने का बोध होता है। यहाँ गाय अपने पास चार पैर रखते हैं और गाय की एक लंबी पूछ है, तो अपने पास क्या रखती है लंबी पूछ, है ना जी। तो ये ऐसे जहाँ पे सब्जेक्ट का कुछ रखने का बोध हो वहाँ पे हैव और हैज का यूज करते हैं। हैज सिंगुलर होता है और हैव क्या होता है प्लुरल होता है। अब इसमें एक और दिक्कत आती है कि हम लोग जैसे यहाँ पे कहते हैं मेरे पास बहुत किताबें हैं, अब यहाँ पे है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं। अब है कि बहुत, तो बहुत के लिए आप पढ़े हैं ना कि मैनी भी होता है मच भी होता है, एक और पढ़ेंगे ए लॉट ऑफ होता है, या आप लॉट्स ऑफ कहते हैं, लॉट्स ऑफ ए लॉट ऑफ मच मैनी। तो सबसे पहले हम लोग मैनी मच का यूज करेंगे, मैनी और मच का यूज कहाँ करेंगे, तो मैनी डेफिनेटली मैनी मतलब बहुत, तो मैनी कहाँ यूज करेंगे काउंटेबल नाउन, कहाँ यूज करेंगे बोलिए, मैनी का इस्तेमाल काउंटेबल नाउन, और मच का इस्तेमाल कहाँ करेंगे अनकाउंटेबल नाउन में। तो मेरे पास बहुत किताबें हैं, तो मेरे अपने पास किताबें रखते हैं, तो आराम से बना सकते हैं आई हैव। अब बहुत के लिए आप क्या लाएं किताब, यहाँ पे देखिए कि काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं किताब क्या है, किताब को आप काउंट कर सकते, काउंटेबल का मतलब जिसको गिन सकते हैं, जिसका प्लुरल बन सकता है, तो यहाँ पे किताब को हम गिन सकते हैं ना, तो ये काउंटेबल नाउन है। इसीलिए यहाँ पे बहुत के इंग्लिश क्या लाएंगे हम मैनी, मच नहीं लाएंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे बुक्स, आई हैव मैनी बुक्स, ओके। यहाँ पे मेरे पास बहुत पैसे हैं, तो पैसे को हम लोग अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, क्या कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन, तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे आई हैव, लेकिन बहुत के यहाँ पे क्या लिखेंगे मच मनी, क्योंकि पैसे क्या है यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे यहाँ पे देखिए आपकी बहन के पास बहुत टेबल है, और यहाँ पे लिखेंगे आपकी बहन के पास बहुत संपत्ति है, ओके। तो संपत्ति क्या हुआ अनकाउंटेबल नाउन, और टेबल क्या हुआ काउंटेबल नाउन। तो आपकी बहन के पास बहुत टेबल है मतलब आपकी बहन के पास रखने का बोध हो रहा है, तो क्या करेंगे योर सिस्टर, तो योर सिस्टर सिंगुलर है, तो सिंगुलर है भेज में कौन होता है, तो है सिंगुलर होता है, और बहुत के लिए चूंकि टेबल को गिन सकते हैं पुलर बना सकते हैं इसीलिए काउंटेबल नाउन है। इसलिए यहाँ पे क्या लाएंगे मेनी, यहाँ पे क्या लिखेंगे टेबल्स, ओके। अब यहाँ पे देखें कि मेरे पास से आपकी बहन के पास बहुत संपत्ति, संपत्ति क्या अनकाउंटेबल नाउन, तो क्या यहाँ पे लिखेंगे योर सिस्टर, चूंकि हैज लाएंगे सिंगुलर है, और यहाँ पे मच क्या लिखेंगे एसेट्स, तो योर सिस्टर हैज मच एसेट्स, है ना। अब है यहाँ पे ये मच मैनी का यूज करना, क्योंकि मच मैनी जो है काउंटेबल नाउन है, मच है जो अनकाउंटेबल नाउन है ना। तो यहाँ पे तो ये अर्थ समझ गए, अब आगे आप देखेंगे, अब बिल्कुल बारीकी से समझ जाए किताब को गिन सकते हैं कि नहीं, तो गिन सकते हैं आप प्लुरल बना सकते हैं, तो काउंटेबल नाउन है इसीलिए बहुत के इंग्लिश में नहीं लगेगा। यहाँ पे पैसे को गिन सकते हैं
है ना, गिन सकते हैं लेकिन इसका प्लूरल तो नहीं बना सकते, इसीलिए ये काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, इसीलिए यहाँ पे बहुत इंग्लिश क्या लगाते हैं, मच लगाते हैं। यहाँ पे देखिए टेबल को हम क्या करते हैं, गिन सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं, इसलिए टेबल क्या हुआ यहाँ पे, काउंटेबल नाउन, इसलिए बहुत इंग्लिश क्या लगाएंगे यहाँ पे, मेनी। लेकिन यहाँ पे देखिए संपत्ति को हम गिन नहीं सकते, उसका प्लूरल नहीं बना सकते, इसलिए वो अनकाउंटेबल नाउन हुआ, इसलिए बहुत इंग्लिश क्या लगाएंगे, मच, है ना। लेकिन अब मॉडर्न ग्रामर में इससे बचने का भी उपाय है। अब इससे बचने का उपाय यह है कि आप जब इसका बात करेंगे लॉट्स ऑफ या अलॉट्स ऑफ, तो इसमें देखना नहीं है। जैसे हम कहते हैं सोहन के पास बहुत गाय है, है ना, यहां पे लिखते हैं मेरे पास बहुत घी है, तो घी क्या हुआ, अनकाउंटेबल नाउन, और गाय क्या हुआ, काउंटेबल नाउन। तो बहुत की इंग्लिश क्या लगेगा यहाँ पे, मैनी, यहाँ पे बहुत की इंग्लिश क्या लगेगा, मच, है ना। लेकिन अब कह रहा है कि जब ये लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ लगाएंगे तो इसमें हमको अनकाउंटेबल काउंटेबल नहीं देखना है, चाहे वो काउंटेबल नाउन हो चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो, किसी में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मोहन है, आराम से लिख सकते हैं लॉट्स ऑफ काउज, है ना। अच्छा है, मेरे पास बहुत घी है तो आप लिख सकते हैं आई हैव लॉट्स ऑफ घी, यानी जब लॉट्स ऑफ लगाएंगे तो हम नहीं देखेंगे कि नाउन काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन, यानी दोनों में आराम से लॉट्स ऑफ लगा सकते हैं। इसीलिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स आजकल हम लॉट्स ऑफ ही लगाते हैं, क्योंकि लॉट्स ऑफ लगाते हैं तो हमको मच मेनी मतलब याद नहीं करना पड़ता है। लेकिन हम अगर स्टूडेंट्स हैं तो हमको जानना होगा कि मेनी और मच का डिफरेंटेड क्या है, है ना। यहाँ पे आप देखें कि फिर आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे हम कहते हैं कि रीना के पास बहुत सोना है, है ना। अच्छा है, मीना के पास बहुत कार है, है ना। अगर उस नियम से आप बनाते हैं, उस नियम से बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, तो रीना हैज, कैसे बनाएंगे, अगर मान लीजिए सोना अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे क्या लाएंगे, मच लाएंगे ना, तो यहाँ पे क्या है, मच गोल्ड, ठीक है। यहाँ पे रीना के पास बहुत घर है, मीना के पास तो क्या लिखेंगे, मीना हैज, कार को चूंकि गिन सकते हैं प्लूरल बना सकते हैं तो बहुत क्या होगा, मेनी, यहाँ पे क्या करेंगे, कार्स। लेकिन अगर लॉट्स ऑफ लगाना है तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आराम से ये भी लिखेंगे कि रीना हैज लॉट्स ऑफ गोल्ड, और यहाँ भी लिखेंगे मीना हैज लॉट्स ऑफ कार्स, यानी जब लॉट्स ऑफ लगाएंगे तो हमको यह नहीं देखना है कि नाउन मेरा काउंटेबल नाउन है या कि अनकाउंटेबल नाउन है, किसी में हम लॉट्स ऑफ का इस्तेमाल कर देंगे। लेकिन अगर मच मेनी का यूज करना है तो हमको देखना होगा कि कौन मच है कौन मेनी है। अब देखें ना कि परीक्षा में या कंपटीशन के एग्जाम में अगले मतलब वीडियो में आगे वीडियो में हम दिखाएंगे कि आता है कि यहाँ पे बढ़ने के लिए आता है। मान लो कि यहाँ पे दे दिया खाली, है ना, स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल, या यहाँ पे खाली दे दिया वाटर वाज डिस्ट्रॉयड। अब यहाँ पे मान लो कि मैनी मच भरना है, यहाँ पे मैनी मच भरना है ना, तब क्या भरेंगे, तो यहाँ पे हम नाउन देखेंगे, तो नाउन मेरा क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन है, क्योंकि स्टूडेंट्स को गिन सकते हैं प्लूरल बना सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, मैनी लगा देंगे बहुत के लिए। यहाँ पे वाटर को हम गिन नहीं सकते, इसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम मच। तो ऐसे मतलब कि भरने के लिए, ऐसे कंपिटेटिव मतलब कि फिलिंग करने के लिए भी आता है, जो कहीं ना कहीं हम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ना। तो मैं समझता हूँ, तो आपने यहाँ पे देखा कि हमने हैव हैज का यूज बताया। अब आराम से नेगेटिव है तो नॉट के यूज कर लेंगे, अगर मान लीजिए क्या है तो क्या है, तो केवल हैव हैज को बाहर कर लेंगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, अगर मान लीजिए मेरे पास एक कलम है तो क्या करते, आई हैव ए पेन, अगर नहीं है तो क्या करेंगे, आई हैव नॉट ए पेन, और क्या मेरे पास एक कलम है तो हैव को बाहर कर लेंगे, हैव ए पेन, है ना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, या हैव आई
नॉट ए पेन, क्या मेरे पास एक कलम नहीं है, तो यहाँ पे लगा देंगे। यानी क्या के लिए क्या करेंगे, इसमें व्हाट नहीं ले आएंगे बल्कि उसी हाय बैच को बाहर कर लेंगे। जैसे मेरे पास कुछ पैसे हैं, ताई है सब मनी, चाहे मोहन के पास कुछ पैसे हैं, मोहन हैज सम मनी, मोहन के पास पैसे नहीं है, मोहन हैज नो मनी, क्या मोहन के पास पैसे हैं, तो हैज पहले कर लेंगे, हैज मोहन मनी, क्या मोहन के पास पैसे नहीं है, हैज मोहन नो मनी, यानी ऐसे इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और मैं यही फिर आपसे एडवाइस करूँगा कि आपको बिल्कुल पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करें, और फिर आपको अगले वीडियो में मिलूँगा अगले लेसन के साथ। शुक्रिया।